अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे मौसम थोड़ा सा सनी है, तो मैंने ये सोचा कि मैं हमेशा आपको यहाँ पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन तो देता रहता हूँ, अलग अलग यूरोपियन कंट्री की इन्फॉर्मेशन तो देता रहता हूँ जो कि शेंजन कंट्री से रिलेटेड हैं। तो आज मेरा प्लान हुआ कि मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे करीब में ही थोड़ा सा दूर, तकरीबन 20 किलोमीटर पर है नज़ारे बीच, तो वहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाता हूँ और मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ पे, तो आज आप लोगों को भी दिखाऊंगा। दूसरा एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं ये भी दूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आप सब लोगों के जो मैसेज आते हैं वो ये कहते हैं कि मुर्तज़ा भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लिस्बन में रिहाइश मुश्किल हो गई है, लिस्बन के अलावा दूसरे शहरों में अगर हम कोशिश करें इनके गाँवों में या थोड़ा और डिस्टेंस से, तो क्या हमें आराम से घर मिल जाएगा। देखें, लिस्बन में जो इस पोजिशन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मैंने आपको बताया अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बहुत बड़ी तादाद में इस कंट्री में आ रहे हैं क्योंकि इमिग्रेशन खुली हुई, और आते हैं यहाँ पे उनका सोशल नंबर, निस नंबर, और उनको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी फ़ाइल वगैरह सब सबमिट हो जाती है। तो बताना मैं आप लोगों को ये चाह रहा था मेरे दोस्त के प्रॉब्लम आपको कहाँ आ सकती है। देखें, अगर आप पुर्तगाल के किसी डिस्ट्रिक्ट में घर लेते हैं थोड़ा सा दूर की तरफ, यानी कि लिस्बन से बाहर अगर आप लेते हैं, तो आपको पहली मुश्किल ये घर तो आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन पहली मुश्किल आपको ये हो सकती है कि आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ आज बैठ के। गाड़ी की ज़रूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर आपको T2 थोड़ी से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लीरिया है, लीरिया में अगर आपको थोड़ा सा फासले पे, थोड़ा अंदर की तरफ अगर आपको घर मिलता है T2, अगर आपको 500 यूरो में मिल जाता है, तो वो यकीनन सस्ता इसलिए भी है क्योंकि वो मार्केट से रीच थोड़ी सी दूर है उसकी, ठीक है। अगर आप उसके लिए आपको गाड़ी की शदीद ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और गाड़ी ड्राइव करते हैं, और अगर लिस्बन से बाहर ले रहे हैं, जैसे लीरिया में ले रहे हैं, फारो के किसी अंदरूनी हिस्से में ले रहे हैं, तो आपको गाड़ी ड्राइव करना ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि घर तो आपको मिल जाएगा 500 यूरो में, T2 T3 अगर आपको मिल जाता है अंदर की तरफ, तो फिर उससे, मैंने अभी ये जिक्र किया कि उससे आपका बड़ा मुश्किल हो जाएगा रीच के, आप जो हैं वो इनके जो पिंगे दोशे हैं या इनके जो अदर स्टोर्स हैं वहाँ तक पहुँच के, फिर अब मिसाल के तौर पर 10 किलो आटा आपको चाहिए और आपके पास गाड़ी नहीं है, घर आपने ले लिया, अब वो आटा वहाँ से उठा कर लेकर आना, या 20 किलो चावल की बोरी उठा के लेकर आना और 10-10 मिनट वॉक करके बस के स्टैंड पे जाना 20-20 मिनट, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। याद रखें, कोशिश कर लें, आपको ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, और ड्राइविंग के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मली अगर गाड़ियों को मैं बताऊँ तो आपको 1,000 से 1,500, 2,000, 2,500 यूरो तक आपको एक नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है। जैसे अभी मेरे कुछ टाइम से मेरे पास यहाँ पे मैंने पीजोट रखी हुई है 307, तो ये मैंने ली थी तकरीबन 2,000 यूरो की, और यहाँ पे रहकर मतलब गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि आप इंटीरियर से जाके कहीं से भी कोई सामान मिल रहा है तो आप लेकर आ सकें, क्योंकि इंटीरियर के इलाके जितने भी हैं ना, यहाँ बस टाइमली चलती है, बहुत कम बसें चलती हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन नहीं है, तो उसके लिए अशद ज़रूरत है आपको गाड़ी की। दूसरा, अगर आप आते हैं यहाँ पे तो अपने कंट्री से लाइसेंस ज़रूर लेकर आएँ, इंटरनेशनल लाइसेंस, जिस पे आप 6 महीने साल तक गाड़ी यहाँ चला सकें। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग, अब तो खैर इंशाल्लाह सिस्टम यहाँ का तेज़ हो रहा है, कि जो लोग जिनका रेजिडेंस परमिट या जिनको रेजिडेंस कार्ड इशू हो गया है, तो वो अपना गिया अप्लाई कर सकते हैं, अपना गिया ले सकते हैं, और कुछ टाइम बाद उनको उनका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएगा। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैं बताने आपको आया था यहीं पे, और ये ख़ास तौर पे कि जो अगर आप मेरे कहने पे आगे लिस्बन से बाहर भी अगर घर लेते हैं और कहीं ऐसी जगह पे सस्ता ले लेते हैं, तो आपको ड्राइविंग ज़रूर आनी चाहिए, अपने साथ पैसा ज़रूर थोड़ा सा लाएं ताकि आप गाड़ी में उसको इन्वेस्ट करके, और ऐसी गाड़ी लें कि कल को बेचें भी तो आपकी वो गाड़ी बिक सके। इसके बारे में आपको मैं और बताऊँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि मुर्तज़ा भाई अगर हम गाड़ी भी यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस हमें क्या पे करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई, सबसे पहले जब गाड़ी ख़रीदें तो कोशिश करें सेम डे, यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया वाला चक्कर नहीं है, बांग्लादेश वाला, खैर मैं तो अपने कंट्री को बेहतर जानता हूँ, तो वहाँ पे हमें गाड़ी फाइल सिविक सेंटर में सबमिट करानी होती थी, फिर फाइल जाके मिलती थी, या सिंपल आपको एक कार्ड मिलता है, एक कार्ड दिया जाता है ड्राइविंग का कि आप वो गाड़ी आपके नाम पर हो गई, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिएगा जब भी गाड़ी लें, ठीक है, इंश्योरेंस आपको हर मुसीबत परेशानी से बचाएगा, और वो इंश्योरेंस के बारे में अगर बात करूँ तो इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, अलग अलग कंपनीज़ के डिफरेंट इंश्योरेंस हैं, जो सबसे सस्ता, पहला इंश्योरेंस आपको थोड़ा महंगा होगा, जो सबसे सस्ता इंश्योरेंस होगा आपका वो आपको पड़ेगा समझें 165 यूरो का 6 महीने का,
ठीक है, ये सबसे सस्ता है। अगर आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो उसका नाम भी बता दूंगा उस कंपनी का। दूसरा, आप लोगों को ये भी बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पूरे पूरे साल का रोड टैक्स जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, 30-35 यूरो यहाँ का साल का टैक्स चला जाता है। तो गाड़ी रखना बहुत ज़्यादा यहाँ महंगा नहीं है। MOT भी पूरे साल साल की होती है, उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। तो वो आपको जो है वो तकरीबन 50 यूरो के अंदर अंदर आपकी MOT हो जाती है। वो MOT में यही देखते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा टायर घिसा पाए या बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसको चेंज करा लो, उस पर वो ग्रीन मार्क लगा देते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे गाड़ी नाम पे कराने जाएंगे उसके क्या पैसे हैं। तो उसके पैसे जो हैं आपको तकरीबन 60 से 65 यूरो, तकरीबन 65 यूरो आपको देने पड़ेंगे, और सेम डे उसी वक्त नाम पे गाड़ी हो जाती है। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, सम टाइम 5 दिन के अंदर अंदर, आपने जो एड्रेस उनको शो किया है गाड़ी नाम कराते हुए, तो आपको एक वो कार्ड इशू कर देते हैं, आपके एड्रेस पे आ जाता है। तो गाड़ी लेने के बाद यहाँ पे आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। तो याद रखें, हमेशा अपने कंट्री से जब भी आएँ गाड़ी सीख कर आएँ, अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ ताकि आप गाड़ी चला सकें। दिसंबर तक जिनके फाइल के बारकोड आए हुए हैं उनको गिया इशू किया जा रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला जो स्पीड तेज़ होती जा रही है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जल्दी आपके रेजिडेंस कार्ड आएंगे, जल्दी आपका गिया आएगा, तो आप यहाँ पे गाड़ी चला सकेंगे। लेकिन पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लाइसेंस पे भी आप यहाँ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें, आराम आराम से चलाएं, रूल्स को फॉलो करें, तो आई होप कोई फ़ाइन भी नहीं आएगा। अच्छा, फ़ाइन भी यहाँ पर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ सबसे ज़्यादा राइट्स उनके हैं जो लोग पैदल चल रहे होते हैं, जिन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है। हम लोग पाकिस्तान में तो इसका बिल्कुल एहतराम नहीं करते, बंदा गुजर रहा है और हम गाड़ी हॉर्न देते हुए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त रूल हैं। और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपने किसी का रिस्पेक्ट नहीं की, उसको रास्ता नहीं दिया, तो आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, और बाकी आपको नज़ारा बीच लेके चलूँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा। फैमिली ऊपर है मेरी, अभी आ रही है नीचे। इंशाल्लाह ताला आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में अपना घर भी दिखाऊँगा यहाँ पे, जहाँ मैं रह रहा हूँ, कि मैं किस तरीके से यहाँ पे रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते, कि मेरे दोस्तों, अगर आप इंटीरियर पे ले रहे हैं तो आपके पास गाड़ी होना मस्ट है। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो आइडियलिस्टिक वेबसाइट है या और दूसरे फेसबुक की मार्केट है, वहाँ से आप घर बुक कर लें, बैठे बैठे वहाँ पे किसी से ज़बान कर लें या किसी को एडवांस दे दें, लेकिन जब आप यहाँ पर आएँ और आप देखें कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है, अभी पैसे भी कम हैं, तो वो घर मार्केट से कोई 25 मिनट की वॉक पर हो। अगर पुर्तगाल में है तो नज़ारे बीच, इनका बहुत खूबसूरत बीच है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आइएगा। ज़रूरी नहीं है कि अपने ही प्रॉब्लम्स पे आदमी फंसा रहे, वो सारी ज़िंदगी के साथ हैं, और मरने के बाद ही सिर्फ इंसान को सुकून है। तो बेहतर है थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी रखें अपने साथ साथ, और अल्लाह ताला सारे मामलात हल करा देता है। मेरे दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने में परेशानी होती है, वो ये है कि ये लेफ़्ट और राइट का चक्कर है यहाँ। क्योंकि मैंने UK में गाड़ी चलाई है, तो UK में भी राइट हैंड साइड है, यहाँ लेफ़्ट है, और बाकी यहाँ पूरे यूरोप में आप देख लें आपको लेफ़्ट ही मिलेगी। मेरे दोस्तों, आज मौसम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है पुर्तगाल में, और वैसे तो यहाँ पे वेदर अच्छा ही रहता है, लेकिन ये कि आज और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा सनी हो ना, तो आपको फिर मज़ा आता है यहाँ पे समंदर पे, बीच पे जाने में। सामान देखें मेरे दोस्तों, ये सामान आज समंदर किनारे रखा जाएगा, चादर वादर बिछाई जाएगी, और प्रॉपर वो पिकनिक वाला जो समा होता है ना, आज वो होगा। जी मेरे दोस्तों, ये नज़ारे बीच में पहुँच चुका हूँ, और बहुत खूबसूरत बीच है ये, और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी जो लहरें हैं वो 7-7, 8-8 फीट के हिसाब से भी यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली लोग आते हैं, स्विम करते हैं, और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे फ़िशिंग भी करते हैं। आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। Welcome to Nazaré, welcome to Portugal. Come and enjoy the big waves here. That's right. He's my friend. He's a well swimmer, I think. You are a well swimmer, because I was viewing you. You were trying to swim this beautiful ocean. Yeah. Just want to know why the waves are so high here. Yeah, you have a specific phenomenon here. I don't know how to explain, but it's a geographical phenomenon that makes the big waves, and it's really great for surf and activities. That's sports great. Activities. So what do you think? Are you from Lisbon, right? I am from Lisbon, yeah. So what do you think about the Nazaré? The houses is big here. I think it's an amazing place. If you want to enjoy a weekend with your friends, with your family, it's really great. It's peaceful. People are really nice, and you have part of the culture that it's really. You see all around the fishermen and it's very nice. Yeah, exactly. It's really so nice. What do you do, my friend? I am an engineer. Oh, very nice. Very nice. You are so handsome as well. Yeah.
जी मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें।